ऐसे ही लगा दो लिखना एंड मेक मी प्राउड। सो जब मैं पेपर दे रहा था फिर उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो वो कॉल आया था, मैंने सबसे पहले कि आपके पापा को चोट लगी है, इज इन क्रिटिकल कंडीशन। हम लोग गए किसी एक ने वहाँ के जो दीवान होते हैं उसके बाद 6:30 बजे तक जब हम पहुँचे हमने खूब कॉल मिलाया, कोई बस ये बता दें क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन। हेलो जब से मेकर्स लाइक सिंपथाइज कि हाँ सांस भी दे रहे हैं कि हाँ सही। जब वहाँ पहुँचे तब जो देखा सुना और जो पता चला उसके बाद ना कहने की हालत में था मैं, ना भैया ना कुछ सुनने की हालत। हेलो हेलो सर मम्मी को अभी जब वही और क्या कर सकते हमें तो मजबूत रहना होगा। जब बोली तो तभी मम्मा लोग नाराज थे, दुखद है बहुत ज़्यादा, बीती है, लगा ही नहीं था एकदम अचानक से हुआ ये। 9 बजे मम्मी से बात हुई थी पापा की, पापा कह रहे थे सर में दर्द है थोड़ा सोने जा रहा हूँ, पुलिस के हिसाब से 12 से 1 के बीच की कार वारदात है ये, लगा ही नहीं था। क्या बात हुई थी आखिरी बार पापा से? आखिरी बार एक रात पहले बात हुई थी, वीडियो कॉल हुई थी तो पापा पूछ रहे थे क्या खाया खाने में, कह रहे थे पढ़ाई करते रहना तबीयत सही रखना, बीच में उनकी भी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो मैं पूछ रहा था आपकी कैसी है। खबर कैसे पता चली कि सबसे पहले खबर घर पे मम्मी थी उनको आया था, कॉल आया था कि साहब के पत्थरबाजी हुई है चोट लग गई है तो अस्पताल में आप आ जाइए। ये करीब 2:45 की घटना है, मतलब कॉल आई थी तो फिर उसके बाद मम्मी ने 5 मिनट मेरे को फ़ोन करा, कहा बेटा तू जल्दी घर आ जा पापा को चोट लग गई है। मैंने कहा क्या हुआ तो कहती गोली लग गई है। मैं हड़फड़ाते फिर आया, फिर तो मैं घर पे पहुंच गया 2:30-3 बजे तक, वहाँ से हम निकले तो बीच में बहुत जाम मिला था इसलिए थोड़ा लेट पहुँचे। अस्पताल में ही पहले गांव के थोड़े लोग आ गए थे, उन्होंने फिर बताया घटना बताई, हमें तो घटना का पता ही नहीं था क्या हुआ है, अनजान थे, किसी ने पूरी बात ही नहीं बताई, कोई कुछ बता रहा कोई कुछ बता रहा था। अच्छा फ्री जिम्मेवार है, अपने फादर को खोया है, पुलिसकर्मी कम थे, प्रशासन ने लापरवाही करी, क्या लगता है? ऐसी बात तो नहीं है, मैं ये बताना बोलना चाहता हूँ कि सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि अगर कानून उनकी सहायता के लिए बनाए तो आपको कानून अपने हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। अब प्रशासन और पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी, वो अब पुलिस का पहला क्या काम क्या होता है, वो लोगों को पहले रोकती है, भाई काम ख़त्म करो अब अपना शांत बैठो, हम कर रहे हैं कार्रवाई, पुलिस का काम कार्रवाई करना होता है, अब लोग पहले ही आके अटैक करेंगे कैसे काम चलेगा। आज दिन तक खुश नहीं थे आप, सुबह भी मेरी जब बात हुई आप नाराज़गी थी भाई, अब थोड़ा अभी कोप अप हो ही नहीं पा रहे, मम्मी स्टेबल नहीं है, दिक्कत है थोड़ी। सिर्फ सुबह से परिजन भी आपके ये आरोप लगा रहे थे कि हत्या जो है साजिशन हुई है, तो उस पर आप कितना सहमत है इस बात? अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये सब र्यूमर्स हैं, तो अगर जैसे पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में पता चलेगा, मैं र्यूमर्स को स्प्रेड नहीं करना चाहता, फिर मैं भी वही कहलाऊंगा। ठीक है, तो आप भी क्या पुलिस जो में जाना चाहेंगे इस घटना के बाद भी? बिल्कुल, पापा ने तो इतना बड़ा एग्जांपल दिया है, कुछ नहीं पापा पापा तो ड्यूटी को अपने सबसे पहले रखते थे, एक्चुअली उनसे बड़ा उन्होंने बस ये बोला था कि आदमी देखा।